अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। जी दोस्तों, जैसा कि ड्रामा मेरे पास तुम हो एपिसोड 20 के टीजर में आपने देखा था, मेविश के साथ कोई हादसा पेश आता है, वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है, लेकिन नहीं, हादसा मेविश के साथ नहीं, हादसा हानिया के साथ पेश आता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपिसोड 21 के टीजर के हवाले, और आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड के बारे में कुछ सीन्स। तो बराए मेहरबानी ये वीडियो आखिर तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। एपिसोड 20 के टीजर में देखा आपने कि मेविश हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहाँ पे दो पुलिस वाले भी होते हैं, और बहुत से लोगों का सोचना होता है कि मेविश के साथ कोई हादसा हुआ है या फिर उसका हो गया है कोई एक्सीडेंट, पर ऐसा नहीं है। हादसा बल्कि हानिया के साथ पेश आया था। जैसा कि आपने पिछले केस में देखा था, हानिया ने समझ लिया है दानिश की मोहब्बत को, और हानिया करना चाहती है दानिश से शादी, और दानिश भी शादी करना चाहता है हानिया से, क्योंकि दानिश बदला लेना चाहता है मेविश से। और जब ये पता मेविश को चलेगा तो मेविश ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, जिसकी वजह से मेविश हानिया का एक्सीडेंट करवा देगी या फिर उसका मर्डर भी करवा देगी। बात ये है कि आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या मैं बोल रही हूँ, जबकि हॉस्पिटल में तो मेविश थी। इसमें हो सकता है मेविश ने हानिया का एक्सीडेंट करवा के खुद को भी जानी नुकसान पहुंचाया है, ताकि मुझ पे कोई केस ना बने और ना ही किसी को शक हो, खास करके दानिश को। और नेक्स्ट एपिसोड में जब दानिश जाता है हॉस्पिटल, जहां पर सिर्फ मेविश नहीं बल्कि हानिया भी एडमिट होती है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, एक और वीडियो में आपके लिए ला रही हूँ। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया।